स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पढ़ाकू आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर आई होप आप लोगों ने जो चैप्टर वाइज सीरीज था उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे और कॉन्सेप्ट जो था कॉन्सेप्ट उसमें जो बताए गए थे वो सारे अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो अब बारी आती है सैम्पल पेपर की तो आज हम लोग जो सी ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है फोरटीन जनवरी को उसको डिस्कस करने वाले हैं तो इसके साथ साथ आपको एक पैटर्न की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें देख लीजिए फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि ये थ्री सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन जो होगा वो कंपलसरी होगा सेक्शन ए में सिक्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे टू मार्क्स के इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं तो सेक्शन बी में फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और uh, ये थ्री मार्क्स के होंगे और सेक्शन सी में फोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन फोर मार्क्स का होगा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको बताया गया है इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ़ द क्वेश्चन मतलब कुछ एक क्वेश्चन में आपको और करके दिया रहेगा तो वो आपका चॉइस है आप किस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ठीक है लेकिन वो इंटरनल चॉइस होगा मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं उसके अंदर जो और करके दिया होगा उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो फोर्टीन नंबर क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड प्रॉब्लम होगा ठीक है या डेटा बेस्ड प्रॉब्लम होगा ठीक है और इसके टू सब पार्ट्स होंगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स बताया गया है और यहाँ पे आपको टाइम बताया गया है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं सेक्शन ए में तो अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया गया है देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप एक तरीका देखिए इसको ऐसा करते हैं पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स और अब यहाँ पे हम लोग लॉग एक्स को लॉग एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो लॉग एक्स को टी पुट करेंगे तो यहाँ में बेस में क्या है ई है है ना ये अंडरस्टूड है तो एक्स इज इक्वल टू तो ई टू द पावर टी हो जाएगा अब डी एक्स इक्वल्स ये आ जाएगा ई टू द पावर टी डी टी एंड अब i को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा log x को t से रिप्लेस कर लेंगे तो t अपॉन वन प्लस टी और dx को e टू द पावर t dt से रिप्लेस करेंगे ये होगा अब देखिए अब यहां पे वन प्लस टी और माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं प्लस वन और माइनस वन कर लेते हैं और ये हो गया वन प्लस टी और ई टू द पावर टी डी टी एंड अब यहां पे क्या होगा तो ये आ जाएगा इसको डिवाइड करते हैं सेपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा वन है ना कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी डी टी और ई टू पावर टी यहां पे आ गया ओके यहां पे स्क्वायर था ये छूट गया है तो अब यहां पे स्क्वायर आ जाएगा और, और यहां पे स्क्वायर आ जाएगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर अब देखिए इसको आगे हम लोग लेके चलते हैं तो ये किस फॉर्म में यार जा रहा है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं देखिए अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे आया था ई टू द पावर टी और वन अपॉन वन प्लस टी प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल ना dt ये था तो अब हम लोग जानते हैं कि e टू पावर x और इन टू एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन टू एफ एक्स प्लस सी ये होता है है ना तो अब इसको यहां पे हम लोग यूज करते हैं तो देखिए अगर इसको आप एफ ऑफ टी बोल दें

एंड दिस इज इक्वल टू अब e टू द पावर t को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं तो देखिए e टू द पावर t को x से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस t को किस से रिप्लेस करेंगे तो t को log x से रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया log x और प्लस c तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन वन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके और में दिया गया था तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोल देते हैं आई और इस तरह से लिख लेते हैं इसको साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर अब देखिए ऐसा लिखने से फायदा क्या हो रहा है देखिए अब जैसे ही कॉस एक्स को डिफरेंसिएट करते हैं हम इसको करते हैं तो करने पे आपको ये समझ में आता है कि जाएगा 2 और x, तो 2 और x, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू एक्स जो कि यहाँ पे दिख रहा है, है ना तो इसलिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं कॉस स्क्र एक्स को टी पुट करते हैं तो अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टू कॉस एक्स और इन टू माइनस साइन एक्स डीएक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी डेट इम्प्लाइज माइनस साइन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी तो साइन टू एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी तो अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट में क्या है थ्री का स्क्वायर था और माइनस इसको हमने माना था टी तो टी का स्क्वायर तो ये हो गया माइनस अब देखिए स्क्वायर माइनस एक्स तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी इसके बराबर तो इसको लिख लेते हैं ये होगा साइन इनवर्स टी अपन थ्री और प्लस सी तो माइनस साइन इनवर्स टी को यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से है ना कॉस एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा गया है तो देखिए ये दिया गया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर एंड दिस इज इक्वल टू फाइव अब देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का टू और इसका पावर इसका डिग्री क्या है तो इसका डिग्री है वन है ना तो डिग्री हो जाएगा वन तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा रिक्वायर्ड सम्वल टू प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं और ये प्रूव करने के लिए बोला गया है थीटा यहां पे बोला गया है एंगल बिटवीन देम तो यूनिट वेक्टर्स हैं मतलब इसका मैग्निट्यूड क्या हो जाएगा इन दोनों का वन हो जाएगा और अब जो प्रूव करना है उसमें देखिए ए प्लस बी इसका मॉड दिख रहा है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ए प्लस बी या ए माइनस बी इसका मॉड ऐसा लिखा हो तो आप जनरली इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ए प्लस बी ए प्लस बी इसके मॉड का स्क्वायर से स्टार्ट कर लीजिए ठीक है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको मॉडलस देखिए यहां पे मॉडलस ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए है ना तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस ठीक है तो अब इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट ए डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहे हैं हम आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा प्लस बी डॉट बी है ना जैसे ए डॉट ए बी डॉट ए और ए डॉट बी तो बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होगा तो टू यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू ए डॉट बी और प्लस बी डॉट बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए ये हो गया वन प्लस टू ए डॉट बी तो ए डॉट बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी थीटा प्लस इसका मैग्नीट्यूड वन तो इसका स्क्वायर है, है ना तो वन प्लस वन ये हो जाएगा टू और यहां भी टू तो ये टू कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस अब देखिए यहां पे टू कॉमन होने के बाद और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये हो जाएगा वन तो वन और वन तो ये हो गया कॉस थीटा और टू कॉस थीटा और टू यहाँ पे तो टू कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा ठीक है एक बार फिर से देखिए ये वन ये वन तो यहाँ पे आ गया टू कॉस्ट थीटा और यहाँ पे वन प्लस वन ये हो गया टू तो अब दोनों में टू कॉमन वन प्लस कॉस्ट और अब इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है ना इसका स्क्वायर था दिस इज इक्वल टू टू वन प्लस कॉस थीटा अब थोड़ा सा यहां पर यूज करते हैं हम लोग वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू तो ये हो गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू तो इसका मतलब यह हुआ कि मैग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड दिस इज इक्वल टू टू अपॉन टू यही प्रूफ करना था ठीक है देखिए यह हमने प्रूफ कर दिया तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको स्टार्ट कैसे करना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। यही यहां पे माइनस होता तो यहाँ पे कुछ साइन के टर्म में आपको मिल जाता है वो क्वेश्चन भी आपको मिलता है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोला गया आपसे डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछे गए हैं तो ये जो इक्वेशन दिया गया है लाइन का उसको रीअरेंज करके हम लोग पहले लिखते हैं तो x माइनस थ्री यहाँ पे माइनस uh, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन इसके बाद y टू से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को तो y और माइनस वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई इसको टू से डिवाइड करेंगे आ जाएगा वन यहाँ पे z और माइनस जीरो लिख सकते हैं अपॉन फोर ये हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया ये डायरेक्शन रेशियो हो गया वन वन और फोर ये डायरेक्शन रेशियो हो गया हमसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस तो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएगा तो ए बी सी पता होता है तो एल एम एन ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो देखिए पहले यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो वन तो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर सिंपल है तो ये आ जाएगा कितना और ये हो जाएगा टू एटीन तो आ जाएगा नाइन और इंटू टू थ्री रूट टू इसी तरह से अगर हम लोग एम लिखें तो एम आ जाएगा वन अपॉन और ये हो जाएगा थ्री रूट टू और इन इन क्या आएगा तो फोर अपॉन थ्री रूट टू तो डायरेक्शन कोसाइंस देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे मिल गए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कितना वन अपॉन थ्री रूट टू वन अपॉन थ्री रूट टू और ये था फोर अपॉन थ्री रूट टू ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से हमेशा ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा ही अगर डायरेक्शन कोसाइन ये सब पूछा जाता है तो थोड़ा सा किसी Uh, इसमें टर्म में देखिए जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन लेके exactly इस फॉर्म में हमने किया तो इसको चेंज करके लिखा गया था यहाँ पे देखिए इसका कोफिसियंट वन नहीं है तो कोफिसियंट आपको ध्यान रखना है कोफिसियंट एक्स वाई जेड का वन बना लेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है बैग कंटेन्स वन रेड एंड थ्री वाइट बॉल्स एक बैग है इस बैग के अंदर वन रेड एंड थ्री वाइट बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स मतलब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्स जो है एक्स को बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ रेड बॉल्स ऐसा आप लिख लीजिएगा और x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है तो लिखिएगा x कैन टेक वैल्यूज जीरो वन नंबर ऑफ रेड बॉल्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स यहाँ पे चूंकि दो बॉल आप उसमें से निकाल रहे हैं तो दो बॉल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि एक भी रेड ना हो एक रेड हो या दो रेड हो लेकिन दो रेड वाला केस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वन रेड यही अवेलेबल है एक ही रेड अवेलेबल है इसलिए या तो एक भी रेड नहीं होगा या एक रेड होगा तो अब एक एक करके हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसके लिए एक बार एक मतलब एक भी रेड बॉल नहीं निकल रहा है इसके लिए तो एक भी रेड बॉल नहीं निकल रहा है मतलब वाइट से दोनों बॉल आ रहा है है ना तो फर्स्ट बॉल वाइट होगा तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इन तीनों में से कोई भी एक बॉल आ जाता है तो ये हो जाएगा तीन तरीके से और टोटल है फोर तो थ्री बाई फोर इन टू अब देखिए अब नेक्स्ट जो बॉल होगा नेक्स्ट फिर से वाइट तो अब वाइट बचा कितना क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल हमने निकाल लिया उसको वापस नहीं डालना है तो यहाँ पे अब बच गए आपके पास टोटल थ्री बॉल्स है ना दो इसका एक इसका तो टोटल यहाँ पे थ्री हो गए और दो इसके हैं तो वाइट चूँकि यहाँ पे रेड नहीं आना है एक भी तो वाइट में से लेना होगा तो दो वाइट आपके पास अवेलेबल है तो अब ये कैंसिल कर लेंगे हम लोग और ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू इसके बाद एक्स इक्वल टू वन के लिए देखिए मतलब एक्स इक्वल टू वन का मतलब कि एक एग्जैक्टली वन रेड बॉल आने वाला है तो ये कैसे हो सकता है फर्स्ट जो बॉल निकाल रहे हम वही रेड हो जाए तो ये कैसे हो सकता है तो टोटल देखिए एक रेड है तो एक तरीके से मतलब फेवरेबल केस हो गया वन और टोटल यहाँ पे फोर है ये हो गया एंड सेकेंड जो बॉल निकाल रहे हैं वो वाइट होगा है ना तो वाइट होगा मतलब यहाँ पे टोटल थ्री है और बॉल्स जो अब बच रहे हैं इसमें वो भी थ्री है ये हो गया या फिर ऐसा हो सकता है प्लस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल ले रहे हैं वो वाइट हो जाए तो फर्स्ट बॉल वाइट का मतलब ये कितना आ जाएगा तीन में से कोई भी एक आ सकता है और टोटल फोर होंगे उस केस में इसके बाद इसके बाद मतलब एक वाइट आने के बाद दूसरा रेड है ना तो दूसरा रेड होगा तो रेड मतलब ये एक तरीके से हो सकता है टोटल बॉल इसमें रहेंगे तीन वन अपॉन थ्री है ना तो फिर से देखिए एग्जैक्टली वन रेड का मतलब कि फर्स्ट जो ड्रॉ होगा फर्स्ट पे ही रेड आ जाए है ना या फिर अब देखिए सेकेंड ऐसा हो सकता है सेकेंड केस कि फर्स्ट पे वाइट और सेकेंड पे रेड हो जाए तो अब ये कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो गया वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर डेट इज़ वन अपॉन टू तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा देखिए ये हो गया x ये हो गया पी एक्स ये हो गया जीरो वन तो जीरो के लिए वन अंट टू और वन के लिए वन अंट टू दोनों के लिए देखिए वन अंट टू तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट है ना मतलब एक निकालने के बाद वापस नहीं डालना है है ना विदाउट रिप्लेसमेंट वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से ये काम हो सकता है फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक मतलब फर्स्ट जो कार्ड uh, हम लोग लेंगे रेड में से ले रहे हैं तो रेड टोटल होंगे ट्वेंटी सिक्स और जैक टोटल होंगे फोर है ना 52 में तो 52 में जो फोर जैक ले रहे हैं वो 26 जो रेड हैं और 26 ब्लैक हैं उन दोनों में से दो दो होता है इसका मतलब कि ये जो 26 रेड होगा 26 जो रेड होंगे और ये हो गए 26 ब्लैक इसमें दो जैक है और इसमें दो जैक है तो रेड जो हम लोग फर्स्ट कार्ड ले रहे हैं फर्स्ट कार्ड जब रेड आएगा तो हो सकता है कि वो उन दोनों जो जैक है उनमें से आ जाए या हो सकता है उनमें से नहीं आए तो ये दो केस यहां पे दो पॉसिबिलिटी है इसको कंसीडर करके हम लोगों को चलना होगा तो अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा अगर अगर वो जैक में से ही मतलब रेड का जो दो जैक है उसमें से ही आ जाए फर्स्ट कार्ड तो रेड भी हो जाएगा और वो जैक भी हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा कितने तरीके से दो तरीके से दो रेड का जैक होगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन फिफ्टी टू एंड सेकेंड कार्ड जैक आना है ऐसा बोल रहा है तो सेकेंड कार्ड जैक का मतलब अब एक जैक यहाँ पे आने के बाद एक जैक हमने ले लिया उसमें से तो तीन और बच गए तो अब उन तीनों में से कोई भी मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी लेते हैं तो जैक आ जाएगा है ना टोटल जो कार्ड बचे हुए हैं वो 51 बचे हैं या फिर सेकेंड केस तो यहाँ पे प्लस करना होगा सेकेंड केस क्या है सेकेंड केस में ये है कि टोटल टोटल जो 52 कार्ड्स हैं, तो अब यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट कार्ड रेड ले रहे हैं वो जैक जो दो हैं, उन उनमें से नहीं हो रहा है तो टोटल 26 रेड होंगे उसमें से दो जैक निकाल दें रेड का जो जैक है उसको निकाल दे तो ट्वेंटी फोर बच रहा है तो उन ट्वेंटी फोर में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है वो एंड इसके बाद जो दूसरा कार्ड हम लोग लेंगे तो वो जैक बोल रहा है तो जैक कितने तरीके से क्योंकि अब यहाँ पे फोर के फोर जैक अवेलेबल हैं तो उसमें से कोई भी एक हो सकता है तो फोर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी वन तो अब देखिए यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन आ जाएगा एंड ये हो जाएगा सिक्स प्लस ये हो जाएगा नाइन्टी सिक्स एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 52, 51 और ये हो जाएगा वन हंड्रेड इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 और इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 26 सिक्स डैट इज वन अपॉन ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था वो आ गया वन अपॉन ट्वेंटी सिक्स चलिए आगे बढ़ते हैं अब और सेक्शन uh, बी में आते हैं तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे जो डोमिनेटर है वो है एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर जो है वो है एक्स और इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब ये लीनियर है और ये क्यूबिक है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा है इसका मतलब यहां पे हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा तो देखिए अब आपको करना क्या होगा x दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसलिए बी एक्स प्लस सी है ना क्वाड्रेटिक है यहाँ पे तो ऊपर हमने यहाँ पे बी एक्स प्लस सी ले लिया लिनियर तो अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया जो कि इंटीग्रेबल फॉर्म में ऐसा क्यों करना पड़ता है ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हमने ये यूज किया है ना पार्शियल फ्रैक्शन का तो एक्स प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी अब यहाँ पे ए बी सी फाइंड करने का अलग अलग तरीका है आप जैसे चाहें फाइंड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कोफिशियंट इक्वल कर लें इक्वल uh, कर लें सिमिलर पावर के तो उससे भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को पुट करके भी कर सकते हैं जैसे ए का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल दिख रहा है हमको पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऐसे कर लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इधर ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा कितना ये आ जाएगा जीरो हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन आ गया है ना ये पार्ट तो हो जाएगा जीरो लेकिन अब आगे आपको फाइंड करना है बी और सी का वैल्यू तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए का कोफिशियंट अगर हम लोग दोनों तरफ इक्वेट करें तो इधर ए इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की दो ही टर्म इधर आपको मिलने वाले हैं तो एक्स कॉमन करेंगे इधर स्क्वायर का टर्म नहीं है तो जीरो इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं है ना तो अब देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि इधर कोफिसियंट जीरो का कोफिशियंट ए प्लस बी हो गया तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स ना तो इधर था जीरो एंड इधर था ए प्लस बी डेट इम्प्लाईज इक्वल्स माइनस ए एंड ए इज इक्वल टू वन तो माइनस वन हो गया बी का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया माइनस वन अब सी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एक्स का कोफिशियंट देखिए सी है इधर इधर एक्स का कोफिशियंट वन है तो क्लियर दिख रहा है सी इज इक्वल टू वन इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इन टू एक्स दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ए के जगह पे वन रिप्लेस कर रहे हैं तो वन अपॉन एक्स इसके बाद यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं बी को रिप्लेस करेंगे माइनस वन से तो माइनस एक्स और प्लस सी तो माइनस एक्स और प्लस सी ये हो गया वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन में ये टर्म था उसको हम लोग इससे रिप्लेस करने वाले हैं ठीक है तो अब यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इन एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना हाँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे यहां पर डी एक्स देख लेते हैं एक बार यस तो अब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये हो गया एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अब जो माइनस था उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस यहाँ पे हम लोगों को चाहिए देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर में एक्स है तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव मिल रहा है टू एक्स तो हम लोग टू से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको बैलेंस कर लिए और ये हो गया डी इसके बाद ये सेपरेट करने पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे आ गया तो अब ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस वन अपॉन टू इसको हमने पुट किया टी तो इसको टी पुट करने पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स है ना तो ये आ जाएगा टू एक्स डीएक्स डीटी तो यहाँ पे आ जाएगा डीटी अपॉन टी लॉग मॉड टी और T है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इसको रिप्लेस कर लिए तो आप चाहें तो ये चीज यहाँ पे करके दिखा दीजिएगा हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं प्लस यहाँ पे इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस सी तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है dy वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिख लेते हम लोग यहां पे x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो x यहाँ से गायब हो जाएगा यहां से हट जाएगा y अपॉन एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस x से एक्स यहाँ पे कैंसिल होगा और ये आ जाएगा साइन y अपॉन एक्स ये हो गया तो अब देखिए dy वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये किस फॉर्म में है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा तो हम लोग क्या करते हैं होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है ना तो होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू इस फॉर्म में है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे ये आपको बताया जा चुका है है ना तो डीवाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और अब इसको रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा v और माइनस ये हो जाएगा साइन इसको v से रिप्लेस कर लेंगे तो अब ये v दोनों तरफ हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और यहाँ माइनस साइन वी ये साइन वी इधर जाएगा तो क्या आएगा ये साइन वी इधर आएगा तो वन अपॉन साइन वी कॉसिक वी हो जाएगा कॉसिक वी हो जाएगा और डी वी और एक्स अपॉन डी एक्स ये इधर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स हो गया नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स और ये साइन जो है माइनस यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं कॉसिक वी कॉसिक वी का हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप लिख सकते हैं तो उस तरीके से आपको आंसर भी मिलेगा है ना कॉसिक वी का आप जब फार्मूला आपको बताया गया होगा तो उसमें ये बताया जाता है दो दो फार्मूला इसके लिए बताया जाता है तो दोनों में से जो भी आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं लॉग मॉड कॉसिक वी माइनस कॉट वी ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स और प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट तो ये पूरा लॉग में इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है तो हम लोग जनरली ऐसे केस में यहां पे हम लोग ले लेते हैं लॉग सी ये हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया तो अब इसको इस तरफ लाएंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इन टू एन ये हो जाएगा मतलब लॉग एक्स और इनटू कॉस सॉरी कॉस एक और वी को रिप्लेस कर लेते हैं वाई अपॉन एक्स से माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स हो गया और इधर हो गया लॉग सी तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉसिक वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू सी अब आप चाहें तो इसको ब्रेक कर लीजिए मॉड हट जाएगा तो कॉसिक वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस सी आप इसको चाहें तो किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर लीजिए जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं के तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है तो इसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जैसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना है लास्ट में आपको एक और वाई को रिप्लेस करके जो कॉन्स्टेंट आर्बिटरी कॉन्स्टेंट था उसको एलिमिनेट कर देना है उसको रिप्लेस uh, कर देना है कोई फिक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे कोई ऑब्सोल्यूट uh, वैल्यू उसका मिल जाएगा ठीक है तो इस केस में मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता है ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट आप वहाँ पे बताते हैं जीरो तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट एक्स और इन टू वाई प्लस इक्वल्स टू अपॉन वन प्लस साइन एक्स तो अब ये फॉर्म देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई एंड दिस इज इक्वल टू क्यूनियर डिफरें तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगो को यहाँ पे फाइंड करना चाहिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स तो यह है कॉट एक्स तो कॉटेक्स और ये हो जाएगा डी अब यहां पे कॉटेक्स का आ जाएगा लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स तो अब ये हो जाएगा यहां भी ई e और यहां भी ई e. तो ये आ जाएगा साइन एक्स नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए सॉल्यूशन इज गिवेन बाय ये हो जाएगा वाई इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू ये हो जाएगा क्यू uh, जो कि है इंटीग्रेटिंग uh, फैक्टर का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे साइन एक्स हो गया और इंटू uh, ये हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी ये आ जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं वाई और इन टू साइन एक्स इक्वल्स टू को इधर लिखते हैं हम लोग और ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा तो अब यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा वन और माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा वाई और इंटू साइन एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा है ना हाँ यहाँ पे टू था तो टू यहाँ पे लिख लेते हैं और अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं देखिए इससे फायदा क्या होगा वो भी देख लेते हैं तो ये आ जाएगा टू और यहां पे आ जाएगा वन माइनस वन माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस साइनस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स तो अब देखिए यहां पे आ जाएगा टू और ये इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस टू और यहां पे क्या आएगा वन अपॉन

माइनस और ये माइनस हो गया प्लस ये हो गया टू और सेक एक्स इन और टेन एक्स तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन तो uh, हुआ हम लोगों से पूछा गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब वाई का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर ये हम लोगों को यहाँ पे पुट करना होगा तो देखिए वाई का वैल्यू जीरो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो वाई जीरो और एक्स हो जाएगा पाई बाई फोर तो देखिए ये जीरो मतलब इधर जीरो हो गया एंड ये आ जाएगा पाई बाई फोर तो आ जाएगा कितना टू एक्स है तो पाई बाई टू हो जाएगा माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा टेन पाई फोर वन माइनस टू हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आ, सेक पाई बाई फोर रूट टू तो ये हो जाएगा टू और इनटू रूट टू ये हो गया और प्लस सी ऐसा आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से सी इज़ इक्वल टू क्या आएगा तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा टू और माइनस टू रूट टू और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आ, रूट टू आ, टू रूट टू है तो ठीक है इतना ही रहने देते हैं आप यहाँ पे चाहें तो टू कॉमन कर सकते हैं टू कॉमन करके लिख सकते हैं ऐसा वन माइनस रूट टू और माइनस ये हो गया पाई बाई टू इसको और थोड़ा चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू और ये हो गया रूट टू माइनस वन और माइनस पाई बाई टू ऐसा छोड़ सकते हैं आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा वाई और इन टू साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस टू सेक एक्स टू सेक एक्स और प्लस सी तो सी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे माइनस टू इन रूट टू माइनस वन और माइनस फाइव बाई टू तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया ठीक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जीरो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हाँ तो यहाँ पे ये एक वेक्टर दिया गया है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो ए डॉट बी दिया गया है ए डॉट बी दिया गया है ए डॉट सी के बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के बराबर तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से क्रॉस भी दिया गया इसको हम लोग देखते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरफ आएगा तो ए कॉमन हो जाएगा डॉट बी माइनस सी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो तो देखिए अगर ए डॉट बी जीरो है इसका मतलब क्या क्या होता है ऐसा हो सकता है कि ए जीरो हो जाए ऐसा हो सकता है कि बी जीरो तीन बातें होंगी है ना तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया कि ए जीरो नहीं होगा इसका मतलब इसका मतलब देखिए ए जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये जीरो हो सकता है या फिर ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं तो देयरफोर ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल्स जीरो या b माइनस सी एंड a है ना ये दोनों जो हो जाएंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो यहां से b इक्वल्स C मिल जाएगा ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ठीक है यहां पे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन कि बी इक्वल सी और बी माइनस सी ये परपेंडिकुलर है तो अब इस पे आते हैं सेकेंड जो दिया गया है ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी डैट इंप्लाइज ए इसको इधर लाएंगे और ए कॉमन कर लेंगे तो ए क्रॉस बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो तो अब देखिए यहाँ पे ए तो जीरो है नहीं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए या बी माइनस सी जीरो हो जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बी माइनस सी ये हो जाएगा जीरो या फिर ए और ये सॉरी पैरल हो जाए है ना क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस जीरो का मतलब कि ये दोनों पैरेलल होंगे तो ए और बी माइनस सी जो है ये हो गए पैरेलल। तो अब दोनों अगर हम लोग देखें दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है दोनों को अगर कंबाइन करें तो उसमें बोल रहा था कि ए और बी माइनस सी परपेंडिकुलर है यहां पे बोल रहा है कि पैरेलल है तो ये पॉसिबल नहीं है एक साथ मतलब इसको हम लोगों को यहाँ पे निग्लेक्ट करना होगा तो अब यहां से आपको मिल गया बी इज इक्वल टू सी तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रॉम बोथ ए मतलब वन एंड टू वन और टू मान लीजिएगा इसको और आप लिख सकते हैं कि वन और टू से बी और सी ये इक्वल हो गए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिज लाइन्स ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दिया गया है वेक्टर आर इज़ इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के और प्लस एस इंटू टू आई प्लस जे और प्लस के ये दिया गया है एंड वेक्टर आर सेकेंड जो इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के और प्लस टी देखिए यहां पे अगर आप टू कॉमन लेते हैं तो ये यह एग्जैक्टली exactly यही बन जा रहा है है ना यहाँ पे अगर टू हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये एग्जैक्टली exactly बन जा रहा है टू आई प्लस जे और प्लस के है ना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैरल लाइन्स हैं है ना

डा बी इस फॉर्म में है ये इस तरह से ये ए टू हो गया और ये फिर बी हो गया तो ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये हो जाएगा ठीक है ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को अब इसको हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यह फाइन करना होगा ए टू माइनस एवन तो ए टू माइनस ए वन ये क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन हो जाएगा आ, ये हो जाएगा जीरो आई लिखने का कोई मतलब नहीं है ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा कितना टू और माइनस और माइनस के थ्री के ये आ जाएगा तो ए टू माइनस एवन मिल गया और यहाँ पे B है ये टू आई प्लस जे प्लस के तो अब इन दोनों का क्रॉस फाइंड कर लेते हैं नाउ ए टू माइनस ए वन क्रॉस b एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू अब ए टू माइनस ए वन ये आया है थ्री के और क्रॉस b तो b जो है वो यहाँ पे दिया गया है टू आई प्लस जे प्लस के टू आई प्लस जे प्लस के अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म जो यूज़ करके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम लोग वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं ये एक एक टर्म मतलब सिर्फ के के टर्म में है तो हम लोग आराम से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे देखिए ये हो जाएगा आई जे और के तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स के क्रॉस आई के क्रॉस आई ये हो जाएगा जे इसके बाद इसका इसके साथ क्रॉस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस थ्री और के क्रॉस जे तो के और क्रॉस जे ये इस डायरेक्शन में जैसे जाएंगे हम लोग मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं इसके ऑपोजिट में जैसे जाएंगे तो माइनस आपको लेना होगा तो ये आ जाएगा माइनस आई के बराबर और ये हो जाएगा कितना तो देखिए ये आ जाएगा माइनस थ्री आई प्लस सिक्स जे के बराबर ठीक है अब इसका मैग्निट्यूड तो इसका मैग्निट्यूड आ जाएगा ए टू माइनस ए वन क्रॉस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन और प्लस ये आ जाएगा थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव तो आ जाएगा फोर्टी फाइव को हम लोग लिख सकते हैं नाइन और इंटू फाइव तो थ्री रूट फाइव है ना और अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर प्लस वन का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर तो ये आ जाएगा रूट सिक्स के बराबर तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा थ्री रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स के बराबर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और क्वेश्चन जो दिया गया है और में वो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस है ना ये पॉइंट बोला है एंड पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग इसको आप पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअली मतलब कांसेप्ट 3D में जितना क्लियर होगा उतना ही आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन ठीक है तो देखिए फॉर्मूला जो है वो आपको रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है करना क्या है सबसे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और इसका पोजिशन वेक्टर हम लोग ले लेते हैं वेक्टर आर। इसके बाद इसके बाद बोला है कि ये पॉइंट इस प्लेन में है तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं यहां पे ये पॉइंट हमने ले लिया आ, i 2j k मतलब वन कोमा टू कोमा माइनस वन अब बोला है पैरल टू द लाइन्स तो दो लाइन बोल रहा है कि पैरल मतलब उसको हम लोग शिफ्ट करा के इस प्लेन में ले सकते हैं तो ये दो पैरल जो लाइन्स होंगे इन दोनों लाइन्स का ये प्लेन में ये लाइन्स मतलब इसके पैरल का मतलब प्लेन में लेके आ सकते हैं उसको शिफ्ट करा के तो ये लाइन्स ऐसे हो गए कि इन दोनों का या फिर आप नहीं भी लाएंगे प्लेन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे ये प्लेन हो गया इसके ऊपर में दो लाइन हो गए इसके पैरल तो अब इन दोनों लाइन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये जो आ जाएगा वो आपको कैसे मिलेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा टू आई माइनस थ्री जे प्लस टू के क्रॉस है ना ये जो दोनों वेक्टर हैं वो हैं टू आई माइनस थ्री जे प्लस टू के और आई माइनस थ्री जे और प्लस के तो इन दोनों का क्रॉस ये हो जाएगा और ये प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब इसका इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आपको मिल जाएगा और ये एक पॉइंट पता है ये एक पॉइंट आपको पता है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये हो जाएगा वन कॉमा टू कॉमा माइनस वन तो अब देखिए ये जो होगा नॉर्मल ये इस परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसपे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आर माइनस इसको हम लोग मान लेते हैं ए तो आर माइनस ए ये जो होगा ये प्लेन में लाई कर रहा है ये लाइन है ना इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बन रहा है और नॉर्मल जो होगा इसपे परपेंडिकुलर होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लेंगे बात खत्म है ना दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो सबसे पहले ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका ये क्या आ जाएगा तो आई जे हो गया और के हो गया यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस थ्री टू वन माइनस थ्री वन एंड अब देखिए ये हो जाएगा आई और ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस सिक्स इसके बाद माइनस जे और यहाँ पे आ जाएगा टू और माइनस ये हो जाएगा टू ज़ीरो इसके बाद प्लस ये आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस और माइनस प्लस थ्री और ये हो गया के तो अब ये आ जाएगा थ्री आई और माइनस थ्री के ऐसा आ गया So, R माइनस ए और डॉट इसको हम लोग मान लेते हैं n है ना ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर तो अब यहां पे इक्वेशन आपको मिल जाएगा वेक्टर इक्वेशन R माइनस ए डॉट एन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा तो आर माइनस ए अब यहाँ पे ये आ जाएगा आर और ये हो जाएगा डॉट इन और माइनस ए डॉट इन तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं ए डॉट इन इन दोनों का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर डॉट थ्री आई माइनस थ्री के ये आया था और ए तो ए यहाँ पे क्या है वन टू माइनस वन तो आई प्लस टू जे माइनस के और डॉट थ्री आई माइनस थ्री के तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री कॉमन होगा इसमें तो थ्री और ये आर डॉट आई माइनस के एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा ये थ्री और यहाँ पे आ जाएगा ये जे का टर्म नहीं है तो जीरो और ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा थ्री सिक्स हो जाएगा तो ये आ गया सिक्स अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू मतलब आर डॉट आई माइनस के एंड दिस इज इक्वल टू टू ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन अब कार्टीजियन इक्वेशन यहां पे आपसे पूछा गया था इसके साथ साथ तो कार्टीजियन इक्वेशन के लिए आर को रिप्लेस कर लेना है किससे रिप्लेस कर लेना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो डायरेक्टली यहां पे हम लिख लेते हैं जब इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा कार्टीजियन इक्वेशन कार्टीजियन इक्वेशन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में काम करते हैं इसको आप रिप्लेस कीजिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से तो ये हो जाएगा एक्स और माइनस जेड और दिस इज इक्वल टू टू ये आपका कार्टीजियन फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें इंटर करते हैं तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉड को ब्रेक करना होता है तो मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं मॉडल यहाँ इक्वल टू जीरो अंदर का जो टर्म है वो जीरो या जीरो से ज्यादा होता है तो मॉड यहाँ पे हट जाएगा और ये एक्स आ जाएगा और एक अगर निगेटिव है मतलब अंदर का टर्म निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखते हैं क्यों क्योंकि ये मॉड मतलब ये सिंबल लगाने का मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव मिलने वाला है तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स लिखेंगे तो ये एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा इसलिए माइनस पहले से लगा कर रखते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और, और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स कॉमन कर लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा अब यहाँ पे x और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस एक्स और प्लस टू तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक्स कॉमन करें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन मतलब x माइनस वन और इंटू एक्स माइनस टू ये आ जाएगा अब इस टर्म को अगर आप जीरो करते हैं इस टर्म को जीरो करते हैं मतलब ये टर्म जीरो हो रहा है तो ये टर्म जब जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू मिलेगा जीरो वन और टू यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए जीरो वन एंड टू अब इसके बाद यहाँ पे साइन स्कीम क्योंकि तो ये हम लोगों को पता करना है कि ये किस इंटरवल में नेगेटिव है किस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इसके लिए साइन स्कीम और इसके लिए क्या करते हैं टू से बड़ा कोई एक वैल्यू उठाइए जैसे थ्री इसमें पुट कर लीजिए तो थ्री ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा वन पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे प्लस साइन पुट कर लीजिए और इसके बाद अल्टरनेट साइन यहां पे हम लोग चेंज करेंगे माइनस यहां पे प्लस यहां पे माइनस ठीक है तो अब ये जो क्यूबिक था उसका साइन आपको पता चल गया कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में इसका वैल्यू नेगेटिव है अब हम लोग यहां पे ब्रेक करते हैं इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल जीरो से माइनस uh, वन से दिया गया है ओके तो माइनस वन से जीरो ले लेंगे नेगेटिव है तो so देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस वन से जीरो और इसको एज इट इज अभी लिख देते हैं ठीक है एक्स क्यूब और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और था प्लस टू एक्स ये आ गया डी एक्स प्लस अब इसके बाद जीरो से वन लेते हैं तो जीरो से वन ये मॉडल ये ही टर्म होगा पूरा यहां पे लिखते नहीं है।, है ना ये हो गया प्लस इसके बाद इसके बाद वन से टू हो जाएगा तो अब देखिए माइनस वन से टू तक था हमने क्या किया माइनस वन से जीरो जीरो से वन और वन से टू इसमें ब्रेक कर लिया क्योंकि हर में इसका साइन जो है वो अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे आपको दिख रहा है तो अब इसके बीच में ये आ गया तो माइनस वन से जीरो माइनस वन से जीरो के बीच में चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस तो इधर माइनस कर लेते हैं मॉड हट गया और ये आ जाएगा इतना इसके बाद जीरो से वन के बीच में जीरो से वन में पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड हट गया ये एज इट इज इसको लिख लेते हैं जीरो से वन के बीच में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये हो गया प्लस इसके बाद वन से टू वन से टू तो वन से टू में देखिए वन से टू में नेगेटिव आ रहा है तो वन से टू में यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो माइनस हो गया यहाँ पे प्लस लिख दिए यहाँ पे ही इसको चेंज कर लेते हैं तो अब ये आ गया माइनस और वन से टू में ये हो गया माइनस तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो गया अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा करना क्या है ये हो जाएगा एक्स का पावर फोर अपऑन फोर चलिए एक करके यहाँ पे दिखा देते हैं तो अब ये हो गया एक्स टू दावर फोर अपॉन फोर इसके बाद माइनस ये है थ्री और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री तो माइनस थ्री और एक्स क्यूब अपॉन थ्री इसके बाद प्लस टू एक्स तो प्लस टू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू और ये हो गया माइनस वन से जीरो माइनस वन से जीरो और यहाँ पे माइनस साइन है इसी तरह से आपको आगे यहाँ पे कर लेना है ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री और ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री और प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा जीरो से वन और प्लस इसके बाद एक्स टू द पावर फोर सॉरी यहाँ पे माइनस था तो ये हो गया माइनस और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री और प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड ये हो गया वन से टू तक टू से टू कैंसिल थ्री से थ्री कैंसिल यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को आप पुट कर लीजिए यहाँ से आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा मतलब आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए एरिया uh, का क्वेश्चन है ये और इसमें बोला गया है फाइंड द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाई द लाइन दिस एंड द पैराबोला दिस तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसका ग्राफ ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देखिए पैराबोला जो होता है वो इसी शेप में होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा ही शेप होगा तो अब ये देखना है कि ये इस तरह का ग्राफ क्यों बना रहे हैं इसको याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं आपको वाई का पावर इवन तो एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक है ना देखिए इसको बीच से अगर हम लोग यहाँ पे कट करते हैं तो जो पोर्शन मतलब जो पॉइंट यहाँ पे होगा उसी का इमेज यहाँ पे होगा तो ये सिमेट्रिक हो गया अगर x का पावर इवेन होता तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये याद रखने का तरीका है इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको और x प्लस वाई इज इक्वल टू टू ये लाइन हो गया हमारा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू टू और ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स तो ये पॉइंट जो होगा ये टू कॉमा जीरो आ जाएगा और ये पॉइंट जीरो टू हो जाएगा सिंपल है ये ऑरिजिन जीरो जीरो हो गया ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हम लोग देख लेते हैं ये कैसे मिलेगा इसके लिए सॉल्व करना होगा आपको यहाँ पे क्या करते हैं वाई का वैल्यू पुट करते हैं टू माइनस एक्स यहाँ से मिलेगा इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये यह आ जाएगा टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर

ये जो लाइन है ये पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा है दोनों जो पॉइंट है उसमें से दोनों एक का एक्स कॉर्डिनेट वन है और दूसरे का फोर तो देखिए यहाँ पे एक कट कर रहा है और ये पैराबल ऐसा जाएगा ये लाइन इधर आके इसको कट करेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे जो वन है यहाँ पे वन हो जाएगा मतलब ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लें तो वन कोमा जीरो हो गया इधर वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लेंगे तो फोर कॉमा जीरो मिलेगा तो हमको ये पॉइंट चाहिए तो ये मिल गया अब देखिए इस पॉइंट इस पॉइंट का कॉर्डिनेट वन कॉमा जीरो है यहाँ पे टू कॉमा जीरो है हम लोगों से पूछा गया है ये एरिया तो अब ये एरिया कैसे मिलेगा तो देखिए ये दोनों कर्व ये मिलकर जो एरिया बाउंड कर रहा है ये फाइंड करना है हम लोग जीरो से वन यहाँ पे देखेंगे ये पैराबोला जो है यहाँ तक ये कर्व है इसके बाद ये लाइन मतलब ये कर्व ये मिलके बाउंड कर रहा है तो तरीका क्या होगा अब रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स जीरो टू वन और पैरा बोला ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से वाई का वैल्यू क्या मिलेगा रूट एक्स मिल जाएगा है ना तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स प्लस वन से टू वन से टू और यहाँ से वाई का वैल्यू मिलेगा टू माइनस एक्स तो टू माइनस एक्स डी एक्स ये आपको रिक्वायर्ड एरिया दे देगा तो देखिए ये आ जाएगा एक्स टू पावर थ्री अपॉन टू और यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन थ्री ये हो गया जीरो टू वन प्लस ये आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन से टू ये हो गया आ जाएगा टू अपॉन थ्री यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस जीरो प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू पुट करेंगे तो फोर और माइनस यहाँ पे फोर अपॉइंट टू टू हो जाएगा और माइनस वन पुट करेंगे तो टू और माइनस वन अपॉइंट टू ये आ जाएगा तो अब यहाँ पे आएगा टू अपॉइंट थ्री प्लस ये हो जाएगा टू और माइनस टू और माइनस ये कितना है थ्री अपॉइन्ट टू तो आ जाएगा वन अपॉइंट टू तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये आ जाएगा वन अपॉइंट टू तो अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे एक मिनट ये था टू और माइनस आ, ये था आ, थ्री अपॉन टू यस तो वन अपॉन्ट टू बिल्कुल तो अब यहाँ पे एल हो जाएगा सिक्स और ये आ जाएगा फोर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा थ्री तो आ जाएगा सेवन अपॉन सिक्स इतना स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे और में एक क्वेश्चन दिया गया था तो इस तरह से देखिए ये पूछने का एक तरीका है इसको देख के कई बार स्टूडेंट थोड़ा डर भी जाते हैं लेकिन आसान होता है देखिए आपको समझना है यहाँ पे ये जो दिया गया है ना वाई

y greater than equal to zero का मतलब कि x एक्सिस के ऊपर y always positive होता है और on the x एक्सिस y का value always zero होता है अब रही बात इसकी y less than equal to root three तो y equals root three जो होगा y equals m ये straight line passing through origin ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा ये हो गया y is equal to root three तो ये बोला है कि less than equal to तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट इस तरफ का अगर लेते हैं जैसे वन कोमा जीरो तो उसको कर रहा है, मतलब ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट कर रहा है और ये एक्सिस के ऊपर बोल रहा था ये कम्बाइंड दोनों करने पे ऐसा आ गया कि ये इसके बीच की बात हो रही है ठीक है बस यही था अब आगे देखते हैं हम लोग अब ये बोल रहा है एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी ले लें हम लोग तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायर तो ये एक सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर होगा जीरो जीरो और रेडियस होगा टू तो यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसका इक्वेशन हो गया एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू कॉमा जीरो हो जाएगा टू कॉमा जीरो इस तरह से इधर इधर की बात नहीं करते कोई मतलब अभी नहीं है हम लोगों को तो अब इधर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन इक्वल टू का मतलब कि ये सर्कल पे कोई पॉइंट हो सकता है इसके अंदर हो सकता है लेस देन का मतलब अंदर है ना इक्वल टू का मतलब ऑन द सर्कल तो अब इन सब को मतलब इन दोनों को कॉमन लें अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये ये रीजन इंडिकेट कर रहा था और ये यहां से इसको क्लोज कर दिया तो अब इस रीजन मतलब इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो अब देखिए अब यहाँ पे चूंकि यहां से आपको चेंज हो रहा है ये लाइन जो था कर्व चेंज हो जा रहा है ना यहाँ से ये सर्कल हो गया यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो इसके लिए अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना होगा और उसके लिए क्या करना होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको देखना होगा तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे रूट थ्री एक्स पुट करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू फोर डेट इम्प्लाईज एक्स इज इक्वल टू वन है ना तो एक्स इज इक्वल टू वन इसका मतलब ये पॉइंट हो गया वन कॉमा जीरो तो ये है जीरो जीरो तो जीरो से वन और वन से टू जीरो से वन में ये कर्व हो जाएगा और वन से टू में ये हो जाएगा सिंपल अब एरिया आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा जीरो टू वन इसमें ये था रूट थ्री एक्स डी एक्स प्लस वन से टू इसमें था अंडर रूट ये था टू का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको फोर को टू का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना वाई का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा अब ये आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा रूट थ्री और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये आ गया जीरो से वन सिंपल इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो एक्स बाई टू अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फोर अपॉन टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉइन्ट टू ये हो जाएगा वन से टू तो अब देखिए ये हो जाएगा रूट थ्री और यहाँ पे आ जाएगा अपॉइन टू प्लस अगर टू लेते हैं तो यहाँ पे टू का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म हो गया जीरो प्लस ये हो गया टू और यहाँ पे टू लेंगे टू अपॉइंट टू वन साइन इनवर्स वन ये हो जाएगा पाई बाई टू ये हो गया पाई बाई टू और माइनस अब यहां पे वन लेते हैं तो वन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू और ये फोर माइनस वन रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू और प्लस यहां पे वन लेंगे तो टू और इन टू हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन टू जो कि हो जाएगा पाई बाई सिक्स के बराबर तो ये आपको मिल गया अब यहाँ पे रूट थ्री अपॉन टू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा पाई यहाँ पे आ गया और यहाँ पे है पाई बाई थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री टू पाई अपॉन थ्री ये यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा टू पाई अपॉन थ्री के बराबर चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस अपॉन द प्लेन दिस तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये हमने एक प्लेन ले लिया ठीक है और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ये हो गया पॉइंट P वन कॉमा टू अब बोल रहा है इससे परपेंडिकुलर हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा ये हो गया इससे परपेंडिकुलर इस पॉइंट को क्यों बोल देते हैं तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना परपेंडिकुलर जो डाले हम लोग तो इसका ये जो निचला हिस्सा है यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है और इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड एंड दिस इज इक्वल टू नाइन इसको वन बोल देते हैं अब देखिए अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्यूब पॉइंट का कॉर्डिनेट बताइए और क्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट जब मिल जाता है तो आप डिस्टेंस बता दीजिए पी और क्यू के बीच का तो डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा आसान है मेन यहाँ पे काम करना है क्यूब पॉइंट फाइंड करना है आपको इसके लिए देखिए तरीका क्या होता है और ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा पी क्यू uh, ये एक लाइन हो गया तो इसका इक्वेशन जब एक पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं अगर इसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मतलब नॉर्मल के नॉर्मल का, का काम कर रहा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं मतलब वन माइनस थ्री और टू इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया तो इक्वेशन यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू का क्यू का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन मतलब वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो इसका वन हो जाएगा मतलब ए का वैल्यू और uh, यहां पे हो जाएगा वाई माइनस टू अपॉन माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा जेड माइनस जीरो अपॉन टू ठीक है ये हो गया अब इसी को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू लेमडा इससे फायदा क्या होगा अब यहाँ से आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेमडा प्लस वन वाई का वैल्यू मिलेगा माइनस थ्री लेमडा प्लस टू जेड का वैल्यू मिलेगा टू लेमडा तो अब देखिए अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया है तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको Q जो पॉइंट है उसका कॉर्डिनेट देर फोर क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्यों देख लीजिए एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ये ले सकते हैं ये क्योंकि लेमडा के टर्म में है तो लेमडा लेमडा के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट आपको वो दे देगा तो ये जनरल कोऑर्डिनेट मतलब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा तो क्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि ये है क्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट है लेमडा प्लस वन लेडा ये हो गया अब क्यू पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो फ्रॉम वन आप ऐसा लिख लीजिएगा कि ये लाई कर रहा है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इसको पुट करेंगे सॉरी इसको पुट करेंगे यहाँ पे x माइनस थ्री वाई तो x के जगह पे लेमडा प्लस वन माइनस थ्री वाई तो माइनस थ्री और y कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री लेमडा प्लस टू और प्लस टू जेड तो प्लस टू और इन टू टू लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू नाइन अब देखिए देखिये और यहाँ पे आ जाएगा नाइन लैमडा टेन लेमडा और ये फोर फोर्टीन लेमडा और यहाँ पे आ जाएगा कितना ये हो जाएगा माइनस सिक्स और प्लस वन माइनस फाइव इधर आएगा प्लस फाइव तो फोर्टीन मतलब लैमडा का वैल्यू मिल गया वन देर फोर क्यू पॉइंट का कोआर्डिनेट हो जाएगा टू इसके बाद ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन और ये आ जाएगा टू क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये एक आंसर हो गया दूसरा आंसर मतलब पी क्यू जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का तो पी क्यू क्या आ जाएगा टू माइनस अब पॉइंट क्या था वन टू और जीरो तो टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और माइनस प्लस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर ये हो गया तो अब ये आ जाएगा कितना माइनस थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन प्लस ये आ जाएगा कितना फोर ये हो जाएगा फोर तो अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 के बराबर तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब पी क्यू पी और क्यू जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन तो ये हो गया चलिए तो अब हम लोग लास्ट uh, क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है uh, इसमें देखिए क्या दिया गया है एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स डैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट The company's statistics uh, so that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed one year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. तो देखिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये एक डेटा आपको दिया गया है अब इससे रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद है ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी तो सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं आ, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं E1 और E2 दो इवेंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं तो E1 और E2 जो इवेंट होगा वो E1 क्या हो जाएगा एक्सीडेंट uh, प्रोन वाले के लिए हम लोग E1 मान लेते हैं और नॉट एक्सीडेंट प्रोन इसके लिए E2 मान लेते हैं तो यहाँ पे PE1 PE1 क्या हो जाएगा तो एक्सीडेंट प्रोन वाले के लिए हमने माना है इवेंट E1 even. तो ये दिया गया 20% तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा इसी तरह से पी ई टू तो नॉट एक्सीडेंट प्रोन वालों के लिए हम लोगों ने लिए क्या लिया है ई टू तो ये ट्वेंटी परसेंट था तो वो एटी परसेंट हो जाएगा तो एटी अपॉन हंड्रेड एंड अब एक इवेंट यहाँ पे ई e लेना होगा ई e हमने किस लिए लिया है तो इसके लिए इनके लिए है ना कि एन एक्सीडेंट विदिन अयर ऑफ परचेजिंग ऐसे जो लोग हैं इसके लिए हम लोग एक इवेंट ई e लेते हैं ठीक है तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये हो जाएगा पी ई अपॉन दिया गया है यहां पे क्या दिया गया एक्सीडेंट प्रोन होने के बाद एक वन ईयर के अंदर एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है पॉइंट सिक्स है तो ये हो गया पॉइंट सिक्स मतलब सिक्स अपॉन टेन और पी ई अपॉन ई टू मतलब एक्सीडेंट प्रॉन नहीं होने के बाद एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है विद इन वन ईयर ये ये दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट टू डेट इज टू अपॉन हंड्रेड यस अब जो पूछा गया है आपसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो है पी ई e, है ना, पॉलिसी तो ई वन अब यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज करेंगे वो क्या है तो ई वन पी ई अपॉन ई वन प्लस पी इन टू पी अपॉन ई टू इससे आपको यहाँ पे ई -E का वैल्यू मिल जाएगा तो पी ई वन पी ई वन यहाँ पे दिया गया है ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और इनटू पी ई अपन ई वन सिक्स अपॉन टेन प्लस अब पी ई टू तो पी ई टू है 80 अपॉन हंड्रेड और इन टू पी ई ई टू जो कि है टू अपॉन हंड्रेड ये अब यहाँ पे आप एल सी एम ले लीजिए तो एल सी एम लेने के बाद ये आ जाएगा हंड्रेड और इनटू टेन तो यहाँ पे आ जाएगा वन ट्वेंटी और यहाँ पे आ जाएगा वन सिक्सटी ठीक है तो वन ट्वेंटी और वन सिक्सटी ये हो जाएगा कितना टू एटी ये हो जाएगा टू एटी तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आ जाएगा ट्वेंटी फाइव से फोर टाइम्स ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 25। अब क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है वो क्या है देखते हैं सपोज दैट होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अयर ऑफ परचेजिंग वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रॉन तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ये पूछा गया है यहाँ पे कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ही और सी इज़ एन एक्सीडेंट प्रोन मतलब ये है ई वन और ये हो चुका है तब आपसे पूछा गया है तो पी ई -E, है ना ये हो चुका है सपोज डेट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ऑफ परचेजिंग तो की प्रोबेबिलिटी पूछी मतलब पी एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाई बेज थ्योरम बाई बेज थ्योरम पी ईवन इंटू पी ई अपन ईवन अपॉन पी ईवन इंटू पी अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इन टू पी अपन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा तो हम लोग पी ईवन क्या था ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इन टू पी ई अपॉन ईवन तो पी ई अपॉन ईवन था सिक्स अपॉन टेन डिवाइडेड बाई इसका जो वैल्यू है वो क्या आया है यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो डायरेक्टली इसको पुट कर लेते हैं सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा थ्री से टू टाइम्स और ये हो जाएगा फिफ्टी से टू टाइम्स तो आ गया थ्री अपॉन फिफ्टी और इनटू ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन है ना तो अब ये आ जाएगा टू तो ये आ गया थ्री अपॉन फोर्टीन तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थ्री अपॉन फोर्टीन तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो बेस थ्योरम पे था ठीक है तो अभी आने वाले सीरीज में हम लोग और भी सैंपल पेपर्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं तब तक जो आपने सीखा है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए कॉन्सेप्ट जो है उनको और क्लियर कीजिए ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू